आने वाले मॉनसून को ध्यान में रखते हुए सिंगरौली आपदा प्रबंधन ने आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें उन्हें खुद को सुरक्षित रखने और दूसरों को कैसे सुरक्षा प्रदान करने के गुर सिखाए। देश के साथ ही सिंगरौली जिले में भी आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर और आपदा प्रबंधन ने आपदा मित्रों को बाढ़ से बचाव का प्रशिक्षण दिया, जिसमें उन्होंने अलर्ट रहने के लिए अवगत कराया। साथ ही पीड़ित और घायल लोगों को किस तरह से बचाया जा सकता है इस बारे में बताया और आपदा उपकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इन्हें खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैसे सतर्कता बरतनी है और घायल को कैसे बचाना है, इन सारी बातों को प्रायोगिक तरीके से समझाया गया। मुख्यालय एवं जिला कलेक्टर के आदेशानुसार आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए ये हमारे होमगार्ड SDRF एवं आपदा मित्र के जवानों को बाढ़ बचाव हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा। तो आगामी सीजन को देखते हुए, मौसम को देखते हुए इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि निकट भविष्य में कोई घटना दुर्घटना होने पर ये तत्काल वहां पहुंचकर रेस्क्यू कार्य कर सकें। बड़ा आनंद आया और हम सब मिल के प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये मानसून को दृष्टिगत रखते हुए, आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए 8 दिवसीय प्रशिक्षण चालू होने जा रहा है और यही निवेदन है आप सबसे कि सहयोग प्रदान करें, हम लोग प्रशिक्षण में सफल हो सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।